ये बहरी हमारी टहरी। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशाली वर्ल्ड्स। तो आई होप आपको मेरी जो ब्लॉग्स हैं वो बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि वीडियोस पे इतने अच्छे लाइक व्यूज़ नहीं आ रहे। तो प्लीज़ 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 कीप सपोर्ट मी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इस समय जो पीछे आपको बैकग्राउंड में कपड़े दिख रहे हैं, ये मेरे कल के कपड़े हैं जो मैंने कल धोए थे। तो सुबह सुबह होने लग गई थी बहुत तेज़ बारिश, पहले धीरे धीरे होती, करते करते बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। शुक्र है मैं जल्दी नहीं आई, क्योंकि जैसे मैं फ्लोर पे से नीचे, छत पे से नीचे आने लगी, वैसे ही बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। तो प्लीज़ पीछे का जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए मेरी वीडियोज़ में, और मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। तो बाहर का मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, बहुत अच्छा हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं आरती दीदी जा पाएंगी नहीं जा पाएंगी, और ये जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पापा तो जॉब पे चले गए थे, बस इनके टाइम पे ही तेज़ बारिश हो गई थी। तो झाड़ू और किचन का सारा काम हो गया है बस, और ये कपड़े जो है मेरे ये भी धुल गए, मैंने इसलिए इनको टांग रखा टोटी पर, ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और जो किचन का काम है, जैसे कि आपने देखा था पिछले वीडियो में, पापा ने किचन का पाइप सही करा था, तो मैं अच्छे से किचन को सारे ड्रम और गोल्टे निकाल के अच्छे से पोंछ रही थी, ताकि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पानी हो या कीड़े मकोड़े हो तो वो हट जाए। और यहाँ पे मेरा सारा जो काम है वो हो गया था, झाड़ू पोछा जो भी नॉर्मल डेली बेस के काम होते हैं वो सब हो गया था। और यहाँ पर मैं जो कपड़े थे उनको झाड़ झाड़ के रखा था, क्योंकि कपड़ों के अंदर ना मिट्टी थी, फिर से मैंने झाड़ू गाड़ी थी। तो यहाँ पर मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी नीचे सेंड कर देती हूँ, तो यहाँ पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि व्यूज़ इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। क्या कमी हो रही है आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि क्या कमी है वीडियो में, जो कि आप मतलब प्यार नहीं दिखा रहे हैं वीडियो को। तो प्लीज़ कीप सपोर्ट मी, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा प्यार दीजिए वीडियो को। तो यहाँ पर मैं जो कपड़े हैं ये तय करने लग रही थी, तो जो थोड़े से कपड़े थे वो मैंने साइड में रख दिए थे, क्योंकि मम्मी जो है वो थोड़ी हेल्प करेंगी कपड़े तय करने के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सो गई थी और सो के उठी थी, अभी भी इतने कपड़े थे, क्योंकि हमारे 3-4 दिन के कपड़े थे। फिर यहाँ पर मम्मी लेके आई थी जामुन, तो उनको धो दिया था मैंने अच्छे से, और इसमें काला नमक डाल के रख दिया था। और साइड ही साइड में मैं आज जो तहरी बनाऊँगी, मतलब कहीं पर तहरी बोलते हैं, कहीं पर मसाले वाले चावल बोलते हैं, तो कोई और भी अनदर चीज़ें हैं वो बोलते हैं, सबके यहाँ पे अलग अलग चीज़ बोलते हैं। हमारे यहाँ पे तो मसाले वाले चावल कहते थे, और यहाँ कहते हैं तहरी। तो यहाँ चावल जो है मैं भिगोने के लिए रख देती हूँ, और तहरी बनाने के लिए मैं थोड़ी हो रही थी कंफ्यूज। तो मैंने ज्योति दीदी को करा था वीडियो कॉलिंग, तो दीदी से मैंने पूछा था कि दीदी टमाटर नहीं है तो बताओ ना मैं कैसे बनाऊँ। दीदी बोले कोई नहीं तो नॉर्मल बना ले। तो यहाँ पे बी जो सोयाबीन था मैंने पानी में थोड़ा सोख कर लिया था, यहाँ टमाटर प्याज सब कुछ अच्छे से काट लिया था, और यहाँ पर चल रहा था महादेव, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। और यहाँ पूजा कर ली थी मैंने, तो मम्मी दीदी हम सब बैठे थे, और यहाँ पे देखो सिम्मो सोच रही थी कि मेरे को इतना मतलब कि ऊपर बेड पे जैसे कोको बैठा है वैसे मुझे भी बिठा ले, तो मैं उसको प्यार कर रही थी। और अगर हम सिम्मो को प्यार करते हैं ना, तो कोको बहुत ज़्यादा भौंकता है, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और मैं यहाँ पे जो तहरी है मसाले वाले चावल वो छौंकने लग गई थी। पहले मैंने जो प्याज है ये सब चीज़ अच्छे से फ्राई कर ली थी, ये देखो जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, इसमें थोड़े खड़े मसाले भी डालते, पर ज़्यादा नहीं डाले थे, तो बाद में ना सीने में जलन होने लग जाती है इनको, और मना भी किया था। सोयाबीन इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो सोयाबीन ज़्यादा डाला था। तो यहाँ पे तहरी बनके हो गई है रेडी, और बहुत टेस्टी बनी थी तहरी। यहाँ पे आरती दीदी खा रही थी रसगुल्ला, मैं दीदी को बोली थी मुझे खिलाते, दीदी बोली नहीं तू बहुत ज़्यादा मीठा खाती, तेरे को नहीं दूंगी मैं ज़्यादा। यहाँ चला था बिग बॉस, यहाँ पे ये मुझे खिला रहे थे, क्योंकि मैं उस दिन खाना नहीं खाई थी, तो उन्होंने बोला थोड़ा खा ले रहा है तो बाद में तो परेशान करेगी कि भूख लग रहा है। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो